हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है। ब्लाउज की चौड़ाई मैंने 10.5 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। अरमोल की लंबाई 5.5 इंच है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर दी है। नीचे के साइड भी 2.5 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्क को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे। देखिए, गले की लंबाई 10 इंच रख के मार्क कर दिए, बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे, तो आप वीडियो में देख लीजिए, इस तरीके से मार्क कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं सेम उसी तरीके से कटिंग कर दी हूँ गले में को मटके शेप में। अब ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और इसके भी गले की सेम मटके शेप में कटिंग कर देते हैं। तो देखिए, मैंने गले की कटिंग कर दिया है। अब दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए फैला लेंगे। अब एक सिलाई लगा के गले की पूरा अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगे। दस्तर कपड़े को मैं देखिए बराबर करते हुए कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने पूरे गले की स्टिचिंग कर दिया है। अब गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से पूरे गले पे कट लगा देंगे। जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आ जाएगा। तो मैंने पूरे गले पे कट लगा दिया। अब गले को पलट कर सीधा कर देंगे और एक सिलाई लगा के गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने देखे गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते देखिए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग करें, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में ट्रक्स को स्टिच कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से माप लेते हुए ट्रक्स स्टिच कर दिया। नीचे के साइड फैब्रिक जॉइंट करेंगे। तो मैंने अस्तर की पट्टी कट कर दी, इसको बराबर करते हुए नीचे के साइड से पूरा स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से पूरा स्टिच कर दिया है बराबर करते हुए ब्लाउज के साथ में। वे इसको देखिए बराबर में इस तरीके से फैला के फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिए हैं। पट्टी जो मैंने स्टिच की, इसको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए नीचे के साइड सिलाई लगाते हुए देखिए बॉर्डर बना रहे, ऐसे बना दीजिएगा। तो अब ब्लाउज गले पे डिज़ाइन करनी है, तो ब्लाउज को साइड रखेंगे, आपको डिज़ाइन दिखाते बना के। तो मैंने देखिए न्यूज़ पेपर ले लिया, जिसको डबल फोल्ड करके रखे, इसके ऊपर ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके पूरा रख देंगे। अब न्यूज़ पेपर के ऊपर देख लीजिए, जितना गले का एरिया आ रहा है उतना पूरा मार्किंग करेंगे। तो वीडियो में देख रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये मैंने मार्क कर दिया है। अब इस पे जो है डिज़ाइन के लिए थोड़ा मार्क करेंगे। तो 1 इंच के बराबर में एक पूरा पहले मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच के बराबर में आप अगर गैपिंग रखना चाहते हैं तो पूरा इसी तरीके से मार्क कर दीजिएगा। तो 1 इंच के बराबर में गला का मार्किंग ऑलरेडी मैंने कर लिया है ब्लाउज से। तो देख लीजिए, उसी के बराबर में 1 इंच का गैपिंग रखते हो पूरा ये मार्क कर दिया। इस मार्क को बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देख लीजिए, पूरा ये लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब 1 इंच पे जो मार्क किए हैं इसको छोड़ के हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके पूरा कटिंग कर दिए हैं और जो मार्किंग के ऊपर से कट कर दिए हैं। अब न्यूज़पेपर को साइड रखते हैं, इस पर डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन के लिए मैंने एक पट्टी कट कर दी है कप फैब्रिक की। इसकी चौड़ाई देखिए 3 इंच रखे हैं। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को और साइड से सिलाई लगाते हैं। इसकी पहले पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देख लीजिए पट्टी के पूरा साइड से सिलाई लगाते हुए इसका पूरा कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया है। अब इसको पलट कर सीधा करना है, तो कुछ भी चीज़ से प्रेस करते हुए पलट कर सीधा कर दीजिएगा। जैसे मैं वीडियो में करके दिखा रही हूँ, तो ये कम्प्लीटली देखिए सीधा हो चुका है। हाथों से इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये बराबर में आ जाएगा, इससे डिज़ाइन बनाने में ईजी रहेगा। तो मैंने इसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर लिया है, ये बराबर में आ चुका है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए इसको कट करेंगे। तो मैं देख लीजिए 3 इंच की लंबाई पे इस पर माप ले रही हूँ। इसी बराबर में जितने ही पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स में इसको फोल्ड कर देंगे पूरा। तो पूरी फोल्डिंग इसकी हो चुकी है। इसको कटिंग करके सबको अलग अलग पार्ट्स में कर लेंगे। तो मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ वो क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप पूरा इसको कट कर दीजिएगा। तो कट हो चुका है, इसको साइड रखेंगे और न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर के ऊपर इस डिज़ाइन को जो भी बनाए हुए पट्टियों का इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखते हुए पूरा स्टिच करेंगे जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ। और बीच में गैपिंग भी रखते जाइएगा।
इसी तरीके से पूरे न्यूज़पेपर पे डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे जितना एरिया डिज़ाइन के गले में आ रहा है। तो जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ बनाते हो आपको समझ में आया होगा, इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो ये देखिए कम्प्लीटली मैंने पूरे गले पे आपको ये बनाकर दिखा दिया है। अभी जो न्यूज़पेपर इसको साइड रखेंगे और ब्लाउज़ ले लेते हैं। ब्लाउज़ के गले पे पहले लेस की स्टिचिंग करेंगे। तो गले पे बिल्कुल बराबर में लेस को रखिएगा और पूरे गले पे अच्छे से लेस की स्टिचिंग कर दीजिएगा कॉर्नर से रखते हुए। तो पूरे गले पे देखिए लेस की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस पर डिज़ाइन स्टिच करना है तो न्यूज़पेपर वाले डिज़ाइन लेंगे और बराबर करते हुए पूरे गले पे रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए ब्लाउज और डिज़ाइन को दोनों को साथ में प्रॉपरली स्टिच कर देंगे। तो मैंने ये देख लीजिए डिज़ाइन और ब्लाउज को दोनों को साथ में पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया। न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव करना है। तो न्यूज़पेपर को रिमूव करने से पहले यहाँ से लेस की स्टिचिंग करेंगे। तो डिज़ाइन के ऊपर लेस को बिल्कुल बराबर रखते हो, जहाँ से डिज़ाइन स्टिच किया था वहीं से लेस को भी स्टिच कर रहे हैं। तो अच्छे से स्टिच कर लीजिएगा। फिर लेस की स्टिचिंग हो चुकी है, एक्स्ट्रा लेस कट करके निकाल देंगे। अब जो न्यूज़पेपर है इसको भी पूरा रिमूव कर देंगे। अब चलिए डिज़ाइन को आपको बनाते हुए दिखाएं कैसे इसको बनाना है। तो उसके लिए पहले मोती ले लेते हैं और निडल ले लेंगे। तो निडल की हेल्प से हाथों से आपको ये डिज़ाइन बनाना है। देख लीजिए वीडियो में क्लियर आपको हो रहा होगा ये डिज़ाइन। इस तरीके से बनाते हो, फिर निडल की हेल्प से यहाँ से मोतियों को स्टिच करेंगे। तो जैसे मैं मोतियों को स्टिच कर रही हूँ जितनी भी डिज़ाइन है सभी डिज़ाइन पर ऐसे ही बनाते हो हाथों से, फिर मोती को स्टिच करना है। तो मैं आपको कुछ डिज़ाइन ये बनाते हुए दिखा देती हूँ जिससे आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए मैंने इतने सारे बताए, वैसे मैंने पूरा जितने भी डिज़ाइन है सभी को बनाया हुआ है। तो ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा डिज़ाइन बना दिया है। ब्लाउज डिज़ाइन मेरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बनाने में भी ईजी था। अगर आपको भी ये डिज़ाइन मेरा अच्छा लगा हो और बनाने में इजी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे डिज़ाइनर वीडियोस की अपडेट डेली पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ जो ऐसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।